ये टाटा कंपनी की 407 BS4 SFC गाड़ी है और इसमें ड्राइवर कंप्लेन लेके आया है कि एक लाइट जलती है। जब वो लाइट जलती है तो ये गाड़ी पिकअप तोड़ देती है, मतलब एक्सीलेशन करता है ड्राइवर और वो एक्सीलेटर पूरा लेती नहीं है, मतलब रेस नहीं होती है, इंजन फुल स्पीड नहीं पकड़ता है। तो इंजन फुल स्पीड नहीं पकड़ता है तो ताकत भी नहीं करती और गाड़ी भागती भी नहीं है। तो उसका एक स्पेशल कंप्लेन ये है कि बारिश होती है जब ऐसा होता है तो दिक्कत तो है, लाइट जलेगी तो टॉर्क रिडक्शन होगा, मतलब ताकत तोड़ेगी। वो कंप्लेन सॉल्व करना है। क्या तकलीफ है चाचा गाड़ी में? ये गाड़ी में अपने पिकअप तोड़ देती है, लाइट आ जाती है पिकअप तोड़ देती है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। ये क्लस्टर मीटर है, इसके ऊपर इग्निशन ऑफ है, अभी हम उसको ऑन करेंगे। ये ऑन किया और ये सभी लाइटें जलती हैं और उसके 3 सेकंड बाद सभी बंद हो जानी चाहिए, वो बंद हो गई है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये चेक इंजन लैंप अभी भी चालू है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाना चाहिए। ये चेक इंजन लैंप बंद हो गया है, लेकिन साथ में ये लाइट जल रही है। ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये लाइट चालू रह जाती है, चेक इंजन का लाइट बंद हो जाती है। अभी हम इसको रेस कर रहे हैं और ये फुल एक्सीलेटर हमने दबा दिया है, ये फुल दबाया हुआ है और ये गाड़ी लगभग 1100-1200 RPM से ऊपर नहीं होगी। इसमें RPM का मीटर अलग से नहीं लगा है तो ये RPM पकड़ नहीं रहा है। तो अब इसको डिटेल में ढूंढना है तो स्कैन करना पड़ेगा, तो टाटा का नियो 5 स्कैनर हम लगा के इसको चेक करेंगे। ये इस गाड़ी का फ्यूज बॉक्स है यहाँ पे, इसके पीछे जब इसको हम खोलेंगे तो ये 16 पिन का स्कैनर का कनेक्टर दिया हुआ है, इसमें हम नियो 5 का कनेक्टर कनेक्ट करते हैं। ये स्कैनर है और ये इसका 16 पिन का एडेप्टर है। ये ऊंचा वाला भाग स्कैनर के ऊंचे वाले भाग में इस तरफ से ये यहाँ पे ऐसे इसको सेट करके लगाना है, ऐसे ये लगा दिए। अब इसमें पावर सप्लाई आ गया, पावर सप्लाई आने के बाद इसको एंटर दबाएंगे। ये हमने एंटर दबाया, अब व्हीकल सिलेक्शन करना है गाड़ी का। तो ये गाड़ी मीडियम हेवी लाइट किस में आती है, तो ये LCV में आती है। LCV में जाने के बाद जब एंटर करेंगे तो LCV में कितनी गाड़ियां हैं, वो BS3 है, BS4 है, बस CRDI BS4 है या ट्रक CRDI BS4 है। तो ये गाड़ी BS4 है और ये ट्रक CRDI BS4 में आती है। तो एक सेक्शन नीचे और ये ट्रक CRDI BS4, इसमें हम इसका सिलेक्शन करेंगे। ट्रक CRDI BS4 पे जाने के बाद अब हम एंटर दबाएंगे तो इस गाड़ी के ECM के साथ ये कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्ट हो गया। नेगेटिव रिस्पांस, नेगेटिव रिस्पांस, नेगेटिव रिस्पांस ऐसा आ रहा है। डेट 23/4/2016 का है गाड़ी, ये प्रोग्रामिंग डेट इसका था, इस गाड़ी में प्रोग्राम कब एंटर हुआ है तो वो उसका दिखा रहा डेट। अब इसमें ट्रबल कोड्स में जाएंगे और ट्रबल क्या है वो देखते हैं। नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है तो इसको हम एक बार फिर से 16 पिन के एडेप्टर को निकालने के बाद फिर से लगाएंगे। इस गाड़ी को हमने एक बार स्कैन किया था और वो स्कैनर कनेक्ट किए हैं तो LCV लाइट कॉमर्शियल व्हीकल में हमने सिलेक्ट किया था। इस गाड़ी को सिलेक्ट करना पड़ेगा SCV स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल, 207 DI BS4 का इंजन है, इसीलिए अपना स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो इसको हम LCV में सिलेक्ट न करके SCV स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल में सिलेक्ट करेंगे। और ये स्कैनर को अब एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद SCV और LCV, तो ये LCV के सेक्शन में हमने एक बार किया था तो नो रिस्पांस आ रहा था। इसको SCV स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल में जब सिलेक्ट करेंगे तो इसमें ये गाड़ी 407 है लेकिन इसके अंदर पिकअप 207 का इंजन लगा हुआ है, पिकअप 207, तो इसीलिए पिकअप 207 DI BS4 उसमें एंटर करेंगे तभी ये रिस्पांस करेगा। कनेक्ट तो हो रहा था लेकिन नो रिस्पांस आ रहा था। अब देखिए
इसके अंदर रिस्पांस हो रहा है, इसका ECM का पार्ट नंबर और उसका हार्डवेयर वर्जन और VIN नंबर, ECU सीरियल नंबर और सिस्टम, सप्लायर का नाम, ये सब चीज़ डिटेल आ रहा है। अब इसको हम ट्रबल कोड में जाके, इसमें ट्रबल क्या है तो ट्रबल कोड में जा रहे हैं और ट्रबल कोड में जब एंटर दबाएंगे, वाटर इन फ्यूल फॉल्ट, ये देखो फॉल्ट आ रहा है, इसको अभी हमें स्कैन करना है। ये वाटर इन फ्यूल ये जो आ रहा है, इसको एंटर दबाएंगे तो और डिटेल में इसके अंदर जाना है। मतलब ये P2269 नंबर का फॉल्ट कोड है, वायरस है, इसको डिकोड करना है। तो एक बार एंटर और दबाएंगे तो ये कोज आ गया, मतलब कारण क्या है, तो प्रेजेंट ऑफ वाटर इन फिल्टर, मतलब फिल्टर के अंदर पानी भर गया है, ऐसा कारण बता रहा है। अब उसका उपाय क्या है, तो उपाय में नीचे रेमेडी लिखा हुआ है, ड्रेन एंड चेक फॉर वाटर इन LP सर्किट। तो और उसके बाद उसका इफेक्ट भी लिखा है, चेक इंजन लैंप ऑन, मतलब चेक इंजन का लैंप चालू हो जाएगा इस समस्या की वजह से, और एक्टिवेट रिड्यूस टॉर्क मोड 1, मतलब टॉर्क रिड्यूस टॉर्क का मतलब डाउन हो जाएगा टॉर्क यानी ताकत। तो इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि गाड़ी ताकत नहीं करेगी। ये ECM इसका कारण बता रहा है, इसका उपाय बता रहा है और उससे क्या तकलीफ होगी, इफेक्ट 1 एंड इफेक्ट 2, वो दोनों ही दिखा रहा है। पहला इफेक्ट दिखाया टर्न्स यानी चालू हो जाएगी, चेक इंजन लैंप ऑन, तो चेक इंजन का लैंप ऑन हो जाएगा, वो ऑन हो रहा है। इफेक्ट नंबर 2 एक्टिवेट रेड्यूस, मतलब घटना कम हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा। तो इसको ये समस्या दूर करने के लिए अभी हम वाटर सेपरेटर चेक करेंगे, उसके ऊपर काम करने के बाद इसको हम फिर से स्कैन करेंगे। और ये अगर हम डिलीट करते हैं, ये देखिए हम इसको एक बार अगर डिलीट करते हैं, ये क्लियर DTC में जाके, जो क्लियर DTC में जब जाके इसको हम एक बार क्लियर करेंगे भी तो ये वापस आएगा। तब तक जब तक इसकी समस्या का निदान, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता, तब तक ये फॉल्ट आते रहेगा। ये हमने एक बार क्लियर DTC कर दिया, अभी दिखाते हैं, क्लियर DTC हो गया और ये वापस एक्टिव के ट्रबल कोड में जाके हमको चेक करना है ट्रबल है क्या। तो ट्रबल कोड में एक बार फिर से एंटर कर रहे हैं, ये ट्रबल कोड में नो एरर प्रेजेंट। चाचा थोड़ा रेस करो, ये गाड़ी रेस हो रहा है, लेकिन अभी इसको बंद करके, जब बंद कर दो, ये पकड़ो जरा, स्कैनर पकड़ो। ये हमने गाड़ी बंद कर दिया है, गाड़ी बंद करके जब स्टार्ट करेंगे तो वही फॉल्ट कोड वापस दिखाएगा, ये मिटाने से मिटता नहीं है जब तक उसकी समस्या दूर ना हो। तो एंटर दबाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करो, इग्निशन ऑन करो, हाँ स्टार्ट करो, हाँ। और SCV में ही हमको एंटर करना है, मतलब SCV में ही सिलेक्शन करना है। SCV में जाके सबसे नीचे का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है 260 DI BS4, उसमें एंटर करेंगे और ये सही इंजन का सिलेक्शन हो रहा है। SCV गाड़ी के टाइप का सिलेक्शन है और 260 DI वो इसमें इंजन लगा है, जिस गाड़ी का जो इंजन लगा है उसका सिलेक्शन हो गया। और ये अभी इसको हम ट्रबल कोड में फिर से जाएंगे और वही ट्रबल कोड दिखाएगा। ये देखिए वाटर इन फ्यूल फॉल्ट, मतलब वाटर मतलब पानी, इन फ्यूल डीजल के अंदर, डीजल यहाँ फ्यूल डीजल है, पेट्रोल भी हो सकता है लेकिन डीजल इंजन है तो फ्यूल डीजल है। तो वाटर इन फ्यूल फॉल्ट, तो अब उसको हम उस पर काम करना पड़ेगा। ये वायरस बार बार आएगा, डिलीट करने से समस्या डिलीट नहीं होती है, जो इन मेमोराइज मतलब टेम्परवरी खामियां, जैसे ड्राइवर ने बैटरी का वायर खोल दिया इग्निशन चाबी ऑफ किए बगैर, या कोई भी स्विच खोल दिया, या किसी वायरमैन ने गाड़ी में काम किया और बैटरी का वायर छोड़ा के नहीं किया है या चाबी बंद करके नहीं किया है, तो वैसे जो टेम्परवरी खामियां होती हैं उसको इन मेमोराइज मतलब परमानेंट फॉल्ट नहीं बोलते हैं,
टेम्पररी फोल्ड बोलते हैं, तो वो डिलेट हो जाता है, लेकिन जो गाड़ी में कंपलसरी काम है, जो परमानेंट काम हो गया है, उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, तभी वो वायरस दूर होता है। अब इसको काम करने के बाद हम फिर से डिलेट करेंगे और फिर गाड़ी बंद करके चेक करेंगे वापस आया तो नहीं। इस गाड़ी के फ्यूल टैंक के बाजू में दो फिल्टर दिया हुआ है, तो मेन पाइप से जो फ्यूल सबसे पहले फिल्टर में जाएगा, वाटर इन फ्यूल का फिल्टर वही है, तो ये मेन पाइप सबसे इसमें लगा है और ये उसके बाद ये दूसरे में आ रहा है, दूसरे में तीन पाइप का कनेक्शन लगा है। ये फाइन फिल्टर है, मतलब पानी इसमें रुकेगा और कचरा भी इसमें रुकेगा, पानी भी रुकेगा, और इसमें उसके बाद जो छोटे उससे छोटे कचरे होंगे जो उसमें से पास होके चले जाने जिस साइज़ के, वो इसमें रुकेंगे, और उसके बाद ये फाइन होके जो डीजल है वो पंप को प्रेशर सप्लाई के लिए जाएगा। तो ये वाले का वायर कनेक्शन और इसके अंदर पानी जो है उसको निकालना है। हमने ये फ्यूल वाटर सेपरेटर को खोल के साफ किया है, इस स्विच को भी पोंछ के लगाए हैं और ये वायर छिला हुआ है, तो एक यहाँ से छिला हुआ है और यहाँ से। ये डेल्फी का सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, यहाँ से भी सिग्नल ले सकता है सेंसर के नीचे से, और यहाँ से भी शायद इसको सिग्नल मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आधे के ऊपर पानी होना चाहिए था, नहीं था, थोड़ा सा था नीचे। तो इसको तो हमने साफ कर लिया है, अब इसको वाटर प्रूफ करके लगाना है, मतलब ये वायर को वाटर प्रूफ करेंगे। ये जो छिला हुआ दिख रहा है ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो वाटर प्रूफ करके लगाएंगे, क्योंकि डेल्फी का सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, तो यहाँ से भी सिग्नल मिलता होगा, इसीलिए टॉर्क रिडक्शन होता होगा। तो इसको भी हम अभी परमानेंट इसका काम करके ही फिटिंग करेंगे। ये हमने इसको वाटर सेपरेटर को साफ कर दिया है खोल के, और ये वायरिंग जो ओपन एयर था, जो पानी भी लग जाता था शायद वो भी हो सकता है, तो उसको भी हमने सील कर दिया है, एना बॉन्ड लगा के टेप मारा है, ताकि टेप निकल भी जावे तो एना बॉन्ड उसको इंसुलेट रख सके सही से, मतलब उसको जाम रख सके, खुला हवा नहीं लगेगा। और सेंसर भी साफ कर दिया है, जो नीचे सेंसर है, और उसके बाद ये पाइप निकाल के और पंपिंग करके यहाँ तक का एयर निकाल के फिर फील पंप बराबर टाइट कर दिया है। अब इसको स्टार्ट करते हैं और एक बार इसका वायरस डिलीट करेंगे, फिर गाड़ी बंद करके फिर से चालू करके उसका वायरस फिर आया तो नहीं है वो देखेंगे। चाचा स्टार्ट करो। ये 260 में फिर से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद ये ECU के साथ कनेक्ट हो गया, और एक स्टेप पीछे जाके अब ये ट्रबल कोड में जाएंगे और ट्रबल कोड चेक करेंगे। ट्रबल कोड 2269 अभी अवेलेबल है, इसको इरेज करना पड़ता है, तो एक स्टेप पीछे जाके हम क्लियर DTC में जाएंगे, उसके बाद इसको क्लियर DTC करेंगे। ये क्लियर DTC हो रहा है, और क्लियर DTC होने के बाद एक स्टेप पीछे जाके अब इसको हम वापस ट्रबल कोड में जाएंगे। ये फिर से हम ट्रबल कोड में चले गए और वहाँ जाके एंटर होंगे, एरर नॉट प्रेजेंट, मतलब अभी तकलीफ नहीं है। इसके लिए एक बार से ये टेस्टिंग हम फिर से करेंगे एक बार पहले, लेकिन रेस करो गाड़ी, रेस करो, रेस हो रहा है। वो लाइट चला गया, इधर वाला चला गया। इसको लाइव डेटा में जाने के बाद, एक मिनट, लाइव डेटा में हमको जाना है, लाइव डेटा में जाने के बाद एक बार हम एंटर करते हैं और इंजन फ्रेम में जाएंगे, सेंसर फ्रेम में जाते हैं, सेंसर सब काम करता है कि नहीं, और ये एंटर दबाया हमने और पैडल पोजीशन 0%। अब ये पैडल पोजीशन एक्सीलेटर छोड़ने के बाद 0% ही होना चाहिए, वो 0 है, लेकिन दबाने के बाद 100% होना चाहिए, और 100% एक्सीलेटर दबने के बाद उसका RPM हम चेक करेंगे। एक्सीलेटर दबाओ फुल, ये 93, 98, 93%, 91, 97, 99, और ये 99% एक्सीलेटर दब गया है। अब उसके बाद
जाओ। 99 दबने के बाद एक स्टेप पीछे जाके इंजन फ्रेम में आरपीएम चेक करेंगे। इंजन साइकिल स्पीड 704, 672 अभी बता रहा है आरपीएम, ये 2700 के पास जाना चाहिए, 2700 या थोड़ा उससे ऊपर। फुल एक्सीलेटर दबाओ, ये 3104 है, 3104 के पास पहुंचा है, छोड़ो। ये डेल्फी का सिस्टम है, जब इसमें एक्सीलेटर हम दबाएंगे तो इसमें फ्यूल का प्रेशर ज़्यादा होता है और इसका आरपीएम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये सही है। लगभग 99% ओके हो चुका है और वायरस 100% निकल गया है और परमानेंट ट्रबल कोड गाड़ी में कुछ नहीं है। अब एडेप्ट ये स्कैनर हम निकाल लेंगे। चाचा गाड़ी बंद कर दो। और ये यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये पावर सप्लाई भी चला जाएगा। चलो हो गया, वो आगे का बोनट बंद कर लो आप। देखो पूरा रेस होता है, सही है ना। चलो